और मैं स्पेन से हूँ। ये मेरा पासपोर्ट है, स्पेनिश पासपोर्ट है। 30 साल से मैं वहां पर हूँ सर, बाहर से मालूम पड़ा है। और उसके बाद में अगर 2 महीने हैं और हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ उनके फेवर में बात करते हैं। मैं सर आपको दोनों का फेवर लेना चाहिए, आप ऐसे कैसे बोलते कि उन्होंने छेड़छाड़ी नहीं करी। हमेशा जब भी मैं उनसे बात करना चाहता हूँ हमेशा वो उनके फेवर में बात करते हैं। तो लायर से बात की कोई वकील लगा? हाँ मेरा वकील भी है, मेरा हमारा वकील स्पेनिश एम्बेसी में जो दिल्ली में, एक वकील वहां पर भी है और एक 2 वकील मैंने यहाँ पे भी हायर करके रखे हुए हैं। एक हेमंत मुंगी करके है, वो हमारे वकील हैं। एक दूसरे एडवोकेट मनीष जी है, वो हमारे 2 वकील मेरे यहाँ पर भी है। और जो इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज मैं उनसे भी लेता रहता हूँ क्योंकि मेरे को इस फील्ड में मालूम नहीं है। और प्लस जो हमारे दिल्ली एम्बेसी में वहां पर भी एक हमारा वकील है कि वो भी हमको गाइड करता रहता। तो जब मैं नक्शा पास करने के लिए नगर निगम में गया तो वहां पे मालूम पड़ा कि ये प्लॉट ऑलरेडी मॉर्गेज में है, गवर्नमेंट के पास में, जो आप बंधक जो बोलते हैं मॉर्गेज बंधक में है। और उन्होंने उसकी हमको ये रजिस्ट्री भी करके दे दी है, 3 प्लॉट की उनको रजिस्ट्री करके दे दी, विच इज टोटली फ्रॉड। क्योंकि आप गवर्नमेंट के प्लॉट आप हमको सेल नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमको ये प्लॉट सेल कर दिए। उसके बाद में सर मैंने कम से कम 7-8 महीने लगा दिए। मैंने सब जो भी आपके सीनियर पुलिस अफसर्स हैं सबके, मैं वहाँ पे सब जगह कंप्लेन किया मैंने वहाँ पर। तो बड़ी मुश्किल से 9 महीने के बाद में जाके, उसके बाद थैंक्स टू आईजी सर एंड थैंक्स टू एसपी आशुतोष बांगड़े जी कि उन्होंने मेरे बहुत अच्छा हेल्प किया उन्होंने मेरे को। और उनके हेल्प से ही उनके ऊपर FIR हो गई, 420 और 120, ये उनके ऊपर FIR हो गई। सर ये FIR हुए 2 महीने हो गए हैं, उसके बाद इन्होंने जांच जो है हमारे जो थाना प्रभारी TI साहब हैं तेजय नगर के, उनको भेज दी। अब सर फिर 20-25 दिन हो गए भाई, क्या हुआ, जांच चालू है। उसके बाद फिर मैं DIG के पास गया, उनको कंप्लेन करी, फिर वापस सेम स्टोरी। 2 महीने हो गए सर, 17th नाइट को फिर मेरे पास एक 16 को फोन आता है SI का कि आप कल पहुंच जाओ, वो चारों अपराधी कोर्ट में पहुंच जाएंगे। मैं चलो ठीक है। उस दिन सर पूरा दिन मैं कोर्ट में खड़ा रहा, कोई भी अपराधी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे पास मशीन रहती है, शुगर भी लो हो गई उस समय। उसके बाद सर फिर मैंने थानेदार जी से कांटेक्ट किया और मैंने उनको बोला सर आपने धाराएं तो बढ़ाई नहीं है, अगर आपको 420 रखना था फिर 2 महीने आपने क्यों इतनी लेट करी। अभी मेन जो अभी जो पिक्चर शुरू हुई है वो बता रहा हूँ। उसके बाद में जो TI सर ने मेरे को बोला, उनको बोला सर सबसे पहले तो आप, ये आपका स्पेन नहीं है, ये हमारा इंडिया है, ये आपके स्पेन के लॉ नहीं चलेंगे। ये सब TI के जो वर्ड है वो मैं रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला मेरे को कि ये तो सबसे पहले आपका ये स्पेन नहीं है, ये हमारा इंडिया है, और उसके बाद में जो हम चाहेंगे या रूल हमारा होता है आपका नहीं होता है। और उसके बाद में जो डिस्कशन हुआ हमारा कि आप तो हमको, आप तो एहसान फरामोश है, मैंने सर एहसान आपने कौन सा हमको एहसान किया है, मैंने तो आपको मेरा आपका काम करने को बोला है और आप मेरे को एहसान फरामोश बोल रहे हो, आप झूठे हो, आप बदतमीज हो, ये सब ऐसे वर्ड उन्होंने यूज किए। उसके बाद में उन्होंने रात को व्हाट्सएप पे मेरे को ये मैसेज भेजना चालू किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये भेजा कि क्या आपके स्पेन में क्राइम नहीं है, ये सब उन्होंने मेरे को ये सब भेजा इंडेक्स उन्होंने रात को मेरे को 100%। आप क्या करेंगे आगे, क्या बस अभी आप लोगों का हेल्प है, हम तो साथ देंगे। क्या कहीं और भी शिकायत आपने करी है जो जिस तरह से दस्तावेज हमको दिखाया भाई? ये दस्तावेज सबको मालूम है, अभी ये जो बाकी ये दस्तावेज किसी को नहीं दिखाया जो उन्होंने व्हाट्सएप किया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।